की राजधानी दिल्ली के मलकागंज इलाके में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ एक 3 मंजिला इमारत गिर गई। इमारत के मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। सुबह करीब 11:50 पर दमकल विभाग को बिल्डिंग गिरने की कॉल आई थी। फिलहाल 2 लोगों को बचा लिया गया है और अस्पताल ले जाया गया है। इमारत ढहने की घटना पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, सब्जी मंडी इलाके में इमारत गिरने का हादसा बेहद दुखद। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। जिला प्रशासन के माध्यम से मैं खुद हालात पर नजर बनाए हूँ। जहाँ इमारत गिरी है वो सब्जी मंडी थाना का इलाका है। भाई साहब, कुछ लोग दबे हुए हैं क्या? 8-10 है। ये कब की घटना है? बताया जा रहा है कि ग्राउंड फ्लोर पर एक दूध की दुकान थी, उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था। इमारत जब गिरी तो नीचे कई गाड़ियां खड़ी थी। हालांकि ये अभी साफ नहीं हो पाया है कि उन गाड़ियों के अंदर लोग थे या नहीं। फिलहाल मौके पर राहत और बचाव कार्य करने के लिए दमकल विभाग की 7 टीमें मौजूद है। कई लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। अभी तक मलबे से 1 घायल बुजुर्ग को निकाला गया है। बिल्डिंग में 4 से 5 लोग थे जो दबे हो सकते हैं। बिल्डिंग के नीचे काम चल रहा था जिसमें मजदूर काम कर रहे थे, उनके भी दबे होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि वहाँ से 2 बच्चे गुजर रहे थे, वो भी मलबे में दब गए और एक कार चपेट में आ गई। फिलहाल एनडीआरएफ की टीम ने 2 बच्चों को मलबे से निकाल लिया है। बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आशंका जताई जा रही है कि राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिनों से भारी बारिश की वजह से इमारत गिरी है। दिल्ली में कई दिनों से तेज बारिश हो रही है। न्यूज डेस्क, रियल फ्लेवर न्यूज़।